क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, यानी आपने कंसंट्रेशन बतानी है इसकी। तो कंसंट्रेशन को देखो यहाँ पे इसने यूनिट दी हुई है एम, ठीक है। एम का मतलब हुआ मोलैरिटी, एम मींस मोलैरिटी, तो आपको मोलैरिटी निकालना, ठीक है। और मोलैरिटी निकालना, और आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है एंड वॉल्यूम गिवन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 6.02 × 10^20। और एक लिखा हुआ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो यूरिया का जो मोलर मास होता है, ये मोलर मास होता है यूरिया का 60, ठीक है। कैसे आया, नाइट्रोजन के दो हैं 2 × 14, हाइड्रोजन के फोर हैं 4 × 1, एंड वन कार्बन इज देयर एंड वन ऑक्सीजन इज देयर। तो सम ऑफ ऑल द थिंग्स 16 × 28 + 4 = 32, और 32 + 16 + 12 यानी 28, हाँ 60 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हमको यहां से मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो हमें मेन है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स गिवन है आपके पास 0.6.02 × 10^20, और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 × 10^23। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, साइन माइनस में हो जाएगा, 10^20 − 23 यानी 10^-3। तो जो नंबर ऑफ मोल्स आ गया वो आ गया 10^-3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और ये किसमें दिया हुआ है, एमएल में दिया हुआ है। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.1, ठीक है। आप बताओ इसका आंसर कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स है 10^-3 और वॉल्यूम आ गया आपके पास 0.1, तो व्हाट इज द आंसर, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा। ओके अंबिका, वेरी गुड। इसके अलावा और कोई आंसर, हाँ हेमंत अंबिका, ठीक है। तो अभी क्या है, मैंने इसलिए पहले इसलिए डाला था कि पहले आप एक बार कोशिश करके देखो ये क्वेश्चन करना कैसे, जब आपके माइंड में क्वेश्चन डेवलप होगा तब उसका आंसर जब बताया जाएगा तो आपको आंसर जल्दी कैच हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन को पहले दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन जैसे अभी मैंने पहले दिया है, इसके पहले एक पूरा मॉड्यूल सैंपल है, एक ऐसे दूसरा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। कैसे, देखो ये 10^-3 है और इसको करेंगे तो ये 10^-1 हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ऊपर जाके प्लस में हो जाता है, 10^-3 + 1, तो ये हो जाएगा फाइनली 10^-2। तो -2 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका 10^-2 मतलब 0.01 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो क्या लिखा है, मैच द कॉलम, कॉलम वन आपको ये दिया है, कॉलम टू आपको दिया है, कुछ ना कुछ चीजें इसमें मैच होगी, तो बताओ ये कौन सा आंसर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन का। ओके हेमंत अंबिका, इसके अलावा और कोई आंसर, श्रुति सुमित एंड यामिनी, एनी आंसर,
ओके एसएस वेयर इज श्रुति एंड सुमित। चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर अंबिका ने सही दिया हुआ है। ओके हाँ श्रुति राइट आंसर, श्रुति एंड अंबिका। ठीक है देखो क्या होगा, इसका आंसर है फर्स्ट वन ए। कैसे देखो, ए का फोर, ए देखो क्या है, सोडा वाटर। ओहो अच्छा हाँ, ए का फोर, फोर क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। आपने पता है सोडा वाटर में क्या होता है, CO2 गैस होती है लिक्विड में। ठीक है तो जो CO2 गैस, जैसे आपको मैंने हेनरी लॉ में, अगर आपको ध्यान होगा तो हेनरी लॉ में बताया था मैंने आपको, सोडा वाटर सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, उसमें CO2 गैस क्या होती है, अंडर हाई प्रेशर प्लेस की होती है। तो जो CO2 गैस है उसे प्लेस करते हैं हम लिक्विड में, तो वो सोडा वाटर हो गया। ठीक है आपने देखा होगा सोडा वाटर। सेकेंड है इसमें सुगर सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन का क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि सीधी सी बात है सुगर का मतलब सॉलिड, सुगर के आपके पास सॉलिड है और उसे आपने किसमें मिला दिया, लिक्विड में मिला दिया है, सुगर इन लिक्विड का मतलब हो जाएगा सुगर सॉल्यूशन। तो जो टू है उसका आंसर टू सही है। ठीक है थर्ड, जैसे आपको पता नहीं है, चलो थर्ड तो हम पता कर सकते हैं, ये है जर्मन सिल्वर, ये एलॉय होता है, दिस वन इज द एलॉय, ये बहुत सारी चीजों का एलॉय है, जैसे कॉपर जिंक निकिल, ये होता है कॉपर जिंक और निकिल, इसका एलॉय होता है। ठीक है जर्मन सिल्वर होता है जो, दिस इज द एलॉय ऑफ मैनी मेटल लाइक कॉपर जिंक निकिल, इन सबको आपस में मिक्सअप कर देते हैं, तो मीन्स सॉलिड इन सॉलिड, तो इसका एग्जाम्पल है जर्मन सिल्वर। इसके बाद देखो फोर, फोर का आंसर है वन, गैस इन गैस, देखो एयर, एयर में क्या होगा, एयर में बहुत सारी गैस है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, SO2 भी है, बहुत सारी गैस का मिक्सचर है, तो गैस इन गैस, इसीलिए सेकेंड का आंसर हो गया ए। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये फायदा मिलता है अगर आप पहले करोगे तो आपको जब आंसर बताया जाएगा तो आंसर जल्दी क्लिक हो जाता है, लर्न बहुत जल्दी होता है अगर आपने उसमें पहले से एफर्ट किया हुआ तो। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर, आप देखो आपको पूछा है कंसंट्रेशन आपको गिवन है, ठीक है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर इतना है, आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ग्राम में निकालना, वेट हाउ मेनी ग्राम्स, यानी वेट निकालना आपको, डब्ल्यू बी निकालना, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना आपको, कैसे निकालोगे, इसका आंसर किसी ने किया है तो बताओ। अंबिका श्रुति, ओके इसका आंसर आया है आपका ए, और इसके अलावा कोई आंसर, हाँ वेरी गुड सही आंसर निकाला आपने, वेरी गुड अंबिका एंड श्रुति, ए इज द राइट आंसर। ठीक है करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको मोलैरिटी दी हुई है, ठीक है वॉल्यूम दिया हुआ है, तो पहले क्या करो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है अब मोलैरिटी आपको गिवन है टू, टू इज द मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, आपको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ml में दिया है आपको, उसे लीटर में चेंज करना है, तो लीटर का मतलब अपॉन 1000, तो जाएगा 1/4, 1/4 का मतलब 0.25, इसको 1000 से करके यही आ जाता है सीधा, यहां मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2 × 0.25। ठीक है अब नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0. ये 0.5 हो गया मोलर मास से, इसका HNO3 का मोलर मास कितना होता है, HNO3 का मोलर मास होता है 63, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, वेट इज इक्वल टू 0.5 × 63। ठीक है अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 = 15,
थर्टी और वन, थर्टी वन ठीक है। और ये पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3.31.5 ग्रह ठीक है। अब ये आपका आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो ये आपका आंसर यहाँ से कहीं मैच नहीं कर रहा, आप भूल गए आंसर गलत है, लेकिन क्या है इसमें, इसमें क्वेश्चन को उसने ट्रिकी बना दिया, उसने कहा कि 70% ही बना हुआ है, यानी अगर मैंने कहा 70% HNO3 इसमें वेट है कितना, इसमें वेट है 31.5 ग्राम है, तो आप बताओ 100% में कितना वेट होगा, ये तो 70% बना हुआ है और इसमें इतना वेट है, अब हमें बनाना है 100%, तो 100% में कितना वेट होगा, कोई बता सकता है इसका आंसर आप, तो ये 45 हो जाएगा ठीक है। जब 70% में इतना है तो 100% कितना होगा ठीक है, देखो 70% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 31.5 ठीक है, 70% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 31.5, तो अभी एक्स की वैल्यू निकाल दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इज इक्वल टू 31.5 इंटू 100 अपॉन 70, इसको डिवाइड करके आंसर 45 आ जाएगा, सही कहा है। तो ये देखो 75 क्वेश्चन को उसने घुमा दिया, देखो क्या कह रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज 75%, जो ये बना है ये 75% बना है केवल ठीक है, तो हम 100% के लिए चेक करेंगे, तो 100% के लिए कितना होगा, 35% में इतने ग्राम आ रहे हैं, तो 100% में इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 45 ग्राम, तो इसका आंसर है फर्स्ट ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ये सारे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, तो अलग से कुछ नहीं लगेगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो नहीं आएगा आप उसे पूछ लेना, आप देखो इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मोलैरिटी पूछ दिया आपसे और कुछ भी गिवन नहीं है ठीक है, कैसे करोगे आप, कोई बता सकता है इसका आंसर, मोलैरिटी पूछ दी सीधा और कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप सोचो इसका क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ ओके, अंबिका एंड हेमंत, और इसके अलावा कोई आंसर सोचो जरा अपनी तरफ से, कोई भी आंसर आप टिक करके देखो, फिर देखो आप कितने क्लोज हो, उसे रिवाइज करके देखो दोबारा, चेंज करो जो गलती की है उसको, फिर देखो कहाँ पे गलती किया ठीक है। ये आपका कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चन आया था वैसे, लेकिन अब की बार तो आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मेंस में क्वेश्चन पूछा था, सीधा मोलारिटी पूछा था प्योर वाटर की, कोई चीज गिवन नहीं थी ठीक है, तब से क्वेश्चन ज्यादा उसमें पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर अंबिका ने सही दिया है ठीक है, इसका आंसर है 55.55। देखो कैसे आया, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ओके नहीं इसका आंसर है ए इज द राइट आंसर, अंबिका, अंबिका ने किया था इस, वेरी गुड। हाँ डेंसिटी इनटू वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर ठीक है, तो डेंसिटी कितनी होती है, ठीक किया आपने वैसे, वेरी गुड। देखो मैं बता देता हूँ फिर भी, देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ठीक है डिजोल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ वाटर ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, वो डिस्टिल या प्योर वाटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन लेते हैं वो सॉल्यूशन कितना लेते हैं, 1 लीटर ठीक है, 1 लीटर का मतलब 1000 ml, और वाटर के केस में अगर आप प्योर वाटर लेते हो तो वाटर के केस में क्या होता है कि जितना ml होता है उतना ही ग्राम होता है, जितना ml होगा उतना ही ग्राम होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो जितना ग्राम उतना ही ml, दोनों सेम हो जाते हैं ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये तो अब एक हिसाब से मान के चलो कि गिवन वेट आपको कितना दे दिया इसने, गिवन वेट दे दिया 1000 ग्राम,
और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18 ग्राम। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो 1 लीटर है ही है हमारे पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स उसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 1000 अपॉन 18, और इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 55.55 या 56, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन था जो इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती और डायरेक्ट आपको मोलैरिटी पूछ लेता है, तो आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन गलत है या ये गलती से दे दिया है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन गलती से नहीं दिया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर होता है जो, इसका मोलैरिटी का भी ध्यान रखना आप, कि अगर मोलैरिटी पूछा है तो 55.56 या 55 इज द राइट आंसर फॉर प्योर वाटर, ठीक है। क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट तो यहाँ पे प्योर वाटर है, प्योर वाटर को हमने 1 लीटर ले लिया, जितना लीटर होता है उतना ही क्या होता है वेट होता है, इसलिए हमने 1000 ग्राम ले लिया क्योंकि इसकी डेंसिटी 1 होती है, तो जितने लीटर उतने ही ग्राम, तो ये हो गया वेट 1000 ग्राम और मोलर मास 18, तो 1000 अपॉन 18 तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम कितना है इसका, 1 लीटर है ही वॉल्यूम, तो उसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो इसकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी। तो इसीलिए जो मोलैरिटी होती है वो होती है 55.56, इसे याद कर सकते हो आप लोग, तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता हो मुझे, इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी फ्रीली, क्योंकि ये देखो यही है जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। अब ये एग्जाम से, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आना थोड़ा जो एग्जाम होता है उसमें एकदम से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को हम पहले से ही डिस्कस कर लें कितने टाइप के कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि वहां जाके मैंने पहले कहा आपको कोई ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं लगेगा आपको। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है फिफ्थ, मोल फ्रैक्शन निकालना आपको, ठीक है, और आपको ग्लूकोज दिया है और वाटर दिया है, तो मोल फ्रैक्शन का क्या होगा, ग्लूकोज, ये कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। ग्लूकोज होता है C6H12O6, अगर आप इसका मोलर मास निकालते हो ग्लूकोज का तो ये आता है 180, ठीक है। और दूसरा वाटर है, वाटर का मोलर मास H2O है तो वाटर का होता है 18, और वाटर का वेट आपको दिया हुआ है 90 ग्राम, ठीक है। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, गिवन वेट 1.8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, पॉइंट हटाओ यहाँ जीरो लगा दो, इसको अपॉन 100 कर दिया तो कितना आ जाएगा 0.01, ठीक। और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मीन्स गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो इसका आ जाएगा 5, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आपका क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन पूछा आपको और दिया है 1.8 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, वट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन पूछा आपको, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन पार्ट है जो आप खुद कर सकते हो, इसमें डाउट किसी को, ओके, ठीक है। तो यहां तक हम आगे बढ़ जाते हैं, आप यहां से क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या पूछा है, देखो 5.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, देखो मोलल एक्वस सॉल्यूशन, मोलल का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है मोलल का मतलब क्या गिवन है यहाँ पे, ये 5.2 किस चीज की वैल्यू गिवन है, तो रिप्लाई करके बताना मुझे। अगर ये क्वेश्चन आ गया और इसमें लिख दिया 5.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, तो ये मोलर का मतलब क्या हो गया, मोलर का मतलब आपको क्या चीज गिवन है, ओके श्रुति, अंबिका,
और कोई आंसर? तो एक छोटी छोटी चीजें हमें समझनी पड़ेगी क्वेश्चन आंसर करते समय, ठीक है? क्वेश्चन आंसर में ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, छोटे क्वेश्चंस कई बार बड़े आंसर को डिसाइड कर जाते हैं। तो इसका आंसर श्रुति ने सही बताया है। देखो, अगर कहीं पे भी मोलल आता है, मोलल, तो मोलल का मतलब आता है मोलैलिटी से, और अगर इसकी जगह पे लिख देता हूं 5.2 मोलर, तो मोलर एक्वस सॉल्यूशन अगर दे दिया उसने, तो अगर ये मोलर वर्ड लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि जहां पे भी मोलर वर्ड आएगा इसका मतलब हो जाएगा मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है? तो ये हमने पहले भी बताया था, लेकिन वहां पे फोकस नहीं होता है। जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो तब वहां पे स्ट्राइक होती चीजें, क्या रहे ये किस चीज के लिए, क्योंकि सारे आंसर को डिसाइड करेगा, ठीक है? तो इसीलिए जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो वहां पे दिक्कत आती है, जब आप थ्योरी पढ़ते तो इजिली हो जाता है। तो यही डिफरेंस होता है जब आप थ्योरी पढ़ते हो, जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार वो टेक्निकल क्वेश्चन को लैंग्वेज को डिफरेंट करके देते हैं। अब देखो, आपको यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी गिवन है 5.2, और आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है? तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल एल्कोहल डिवाइडेड बाय, देखो ये एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, एक्वस, एक्वस का मतलब यहाँ पे क्या चीज है, वाटर, इसमें दिया नहीं है, देखो दूसरी चीज कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको लगेगा कि एक ही चीज गिवन है, दूसरी गिवन है ही नहीं, लेकिन दूसरी गिवन है देखो, लेकिन ये क्वेश्चन में छुपा हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन को देख के अगर आप ढंग से पढ़ोगे तब आपको उसका पता चलेगा, अदरवाइज ये पता नहीं चलने का। देखो ये लिखा है मोलल एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब एक तो मिथाइल अल्कोहल है, दूसरा इसमें वाटर है, एक्वस का मतलब वाटर, ठीक? तो अब दो चीजें आपको पता चल गई है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल का फॉर्म, मिथाइल अल्कोहल के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है? अब जो चीज आपको गिवन है उसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो। मोलल का मतलब क्या हुआ, मोलल का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब मिथाइल अल्कोहल, तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिया मिथाइल अल्कोहल का, तो आपको तो एक इंफॉर्मेशन मिल गई, ये वाली देखो पहली इंफॉर्मेशन यहां से मिल गई है, ये नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, देखो दूसरी चीज भी आपको मिल गया, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट का मतलब वाटर, तो यहाँ पे वाटर का भी वेट मिल गया आपको, वाटर का वेट कितना हो गया, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन 18, यानी कि वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है? तो ये फिर वही आ गया 55.56। अब इन तीनों को यहाँ पे रखोगे तो आंसर निकल जाएगा आपके पास। इसमें क्या रखेंगे, देखो 5.2 डिवाइडेड बाय 5.2 प्लस वाटर का कितना हो गया 55.56 जो अभी हमने निकाला था। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है, देखो ये आपने किया नहीं होगा अभी तक ऐसा क्वेश्चन, तो ये है, इसको ध्यान से देखो कैसे करना है, और ये आंसर। तो आपको देखो मैंने कहा था मोलैलिटी गिवन है, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे करेंगे, कई बार इसको मोल फ्रैक्शन दिया है आपको, मोलैलिटी निकालना है तो कैसे करेंगे, तो ये सारे टेक्निक आपको देखो, इसका मतलब जितना मोलल दिया हुआ उतना लिख दो, और वाटर के लिए फिक्स है कितना 55.56, तो आप एकदम से आंसर निकाल सकते हो, आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपको जितना ये मोलर दिया हुआ है तो आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और वाटर का आपको पता है कि 1000 अपॉन 18 यानी 55.56, आप डायरेक्ट यहाँ रख के आंसर निकालोगे, ठीक है? तो इसका आंसर निकल जाएगा 6 का। किसी को कोई डाउट इसमें, एनी डाउट? कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है? मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा पहले आपको, कैलकुलेशन खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है वहां पे भी। आगे बढ़ जाऊं, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? अब देखो ये क्वेश्चन आ गया,
अब आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया, अब मोलैलिटी पूछनी है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट मेथड ही करो, आप लॉन्ग कट जाओगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा आपको, शॉर्टकट ही करेंगे इसका। देखो मोल फ्रैक्शन आपको पूछ लिया, देखो 1 kg बेंजीन का, ठीक है, और आपको मोलैलिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी मोल फ्रैक्शन दिया है आपको क्वेश्चन में, जैसे 0.2 दे दिया, तो आपको क्या बना देना है, इसी को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना देना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 0.2, जितना मोल फ्रैक्शन उतने नंबर ऑफ मोल्स, और जब ये सॉल्यूट का इतना है तो इसमें दूसरा क्या है, बेंजीन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना होगा, तो इसको 1 से माइनस कर दो, क्योंकि दोनों का प्लस कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 0.2 यानी 0.8, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन होगा वो 0.8 हो जाएगा। अब आपको दोनों इंफॉर्मेशन मिल गई, अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन को फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लोगे, ठीक है। आप कैसे, देखो मुझे मोलैलिटी सॉल्यूट की पूछी है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट तो आपको गिवन है 1 kg, तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये आप इसको इसकी वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन इसने यहाँ पे 1 kg भी दे दिया ना आपको, 1 kg बेंजीन। इसमें एक चीज और चेंज कर दी इसने, 1 kg बेंजीन, 1 kg बेंजीन का मतलब क्या हुआ कि जो वेट, सॉरी हाँ, वेट ऑफ बेंजीन है वो दे दिया आपको 1 kg यानी 1000 ग्राम, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन दे दिया है इतना। तो बेंजीन के लिए क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, तो इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा मोलर मास, क्योंकि 12 × 6 72 प्लस 6 × 1, अगर बेंजीन करेंगे C6H6 हो जाएगा 78 ग्राम। अब यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि इसने 1 kg दे दिया इसको, अगर ये 1 kg नहीं लिखता तो ये नंबर ऑफ मोल्स आप इसको एज्यूम कर सकते थे, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसको नंबर ऑफ मोल्स के लिए 1 kg कर दिया, तो आपको फिर ये फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है ये तो काफी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन इज, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा, इसको दूसरे मेथड से करके देखते हैं। आप में से कोई है, किसी को पता है, एक तो फॉर्मूला यूज होता है इसमें डायरेक्ट, ठीक है, ये किया है किसी ने इसका आंसर, 7 क्वेश्चन का आंसर किसी ने किया है, हाँ 7 का आंसर, क्योंकि तो लेंथी हो जाएगा फिर तो बहुत, क्योंकि नंबर ऑफ मोस्ट निकालेंगे हम इसका, इसका तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो यहाँ से आ जाएगा 1000 / 78, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस यानी इसको एक्स मान लो और ये एक्स मान लो, तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा, ठीक। मोलैलिटी निकालना है ना, अच्छा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट निकालना, तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, किया नहीं किसी ने क्या इसको, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तो आपको गिवन है, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ये रखते भी हो तो इसका आंसर 7 का आंसर कितना आ रहा है, 7 का आंसर है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, इसको देख लेना, मैं इसका शॉर्टकट मेथड देखता हूँ कोई भी, क्योंकि इसमें तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो रेगुलर ट्रेंड है उसमें तो इसको टाइम लगेगा, क्योंकि रेगुलर ट्रेंड में इसमें यही फॉर्मूला लगेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन या सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहां से अगर हम करते हैं तो इसको एक्स मान लो, ये भी एक्स मान लो, और ये आ जाएगा आपका 1000 / 78,
और इसको मान लो 0.2, तो फिर यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो ये x की वैल्यू आएगी इसको कहां पे रखना पड़ेगा, आपको यहां रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोड्स है। अब आप यहां रखोगे तब आपका आंसर आएगा, ये x की वैल्यू ही आपका आंसर है क्योंकि वेट तो 1 kg हो गया, तो जो ये x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है क्योंकि जो x की वैल्यू निकालोगे आप वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है ए आंसर। ये जो मैंने आपको दूसरा ट्रिक बता रहा था वो तब लगाना है अगर इसमें आपको ये वैल्यू ना दी गई हो, 1 kg ना दिया हो, तब आप लोग क्या करोगे, जो भी नंबर ऑफ मोस दिए हुए हैं इसी को नंबर ऑफ मोस हम एज्यूम कर सकते हैं। ये तब होगा जब यहाँ पे 1 kg गिवन नहीं है। ठीक है, तब हम उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, इसमें तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आया समझ में आपको, कैलकुलेशन पार्ट इसमें ज्यादा है। मैं देखूंगा अगर कोई और शॉर्टकट मेथड हो इसका जिससे कैलकुलेशन इसके स्लो हो जाए, शॉर्ट हो जाए। ठीक है, पर ये आया समझ में। बाकी 7th वाला रिप्लाई करना यस या नो, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन आते हैं देखो, और एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे करोगे उसे डी। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस सेशन क्यों होता है, प्रैक्टिस सेशन का मतलब आपको पहले ही देख लिया जाते हैं कि कितना टाइम आप लग रहा है कैलकुलेशन में, कितना टाइम लगेगा, कोई और शॉर्टकट ट्रिक है, क्योंकि इसमें तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा आपको, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लेंथी पड़ेगा आपको ये। ठीक है, लेकिन इसको भी देखेंगे हम कि कोई और दूसरा मेथड है जिसमें हम इसको और शॉर्ट कर दें। ठीक, तो वो बताऊंगा मैं आपको इसके आगे कि और कोई है ऐसा मेथड जिसमें हम इसको इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े हमें। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं, रिप्लाई करना यस नो। 7 तक का कोई क्वेश्चन पे डाउट, 7 तक यस या नो पे रिप्लाई करना। ओके, ठीक है, जो नहीं आएगा फिर उसे दोबारा पूछना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है 10%, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ब्रैकेट में m बाई m या w बाई w, यानी ये दोनों मास में दिए हुए एक्वस है। देखो ये एक्वस, पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना आपने, एक्वस का मतलब वाटर में डिजोल्व है, एक्वस का मतलब वाटर में डिजोल्व है, और पोटेशियम आयोडाइड का मतलब KI हो गया। ठीक है, और आपको डेंसिटी गिवन है इसमें, आप बताओ कह रहा है कि इसका स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, पहला सॉल्यूशन कंटेन 100 ग्राम ऑफ वाटर, दूसरा कह रहा है मोलैरिटी 2.9 है, तीसरा कह रहा है मोलैरिटी 0.67 है, और चौथा कह रहा है मोल फ्रैक्शन इतना है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया, देखो एक क्वेश्चन में आपको सारी चीज पूछ ली उसने, मोलैरिटी भी पूछ ली, मोलैरिटी भी पूछ ली, मोल फ्रैक्शन भी पूछ लिया। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया ये, एक ही क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, लेंथी हो गया बहुत ज्यादा, और आपको केवल क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है और ये गिवन है, दो चीजें गिवन है और आपको सारी चीजें पूछ ली है इसने। आपको मोलैरिटी भी निकालनी पड़ेगी, मोलैरिटी भी निकालनी पड़ेगी, मोल फ्रैक्शन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तीनों चीजें निकालनी पड़ेगी, यानी कि ये भी टाइम टेकिंग वाला ज्यादा क्वेश्चन है। लेकिन इसमें कभी भी ध्यान रखना कि अगर आपका आंसर पहला वाला क्लिक हो गया, सपोज आपने पहला किया और पहला सही हो गया, तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही आंसर सही होता है। ठीक है, तो इसमें फिर आगे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया तो जो सेकंड पॉइंट है उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन क्या कह रहा है, ट्रू है इसमें, तो किसी ने किया ये बताओ जरा, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। चलो वन बाय वन करते हैं हम, देखो द टू स्टेटमेंट अबाउट दिस सॉल्यूशन इज, इसका आंसर है, अच्छा सी दिया, तो देखो क्या है 10% एम बाई एम एक्वस सॉल्यूशन, 10% का मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम ऑफ के आई डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, जबकि इसने क्या कह दिया, देखो 100 ग्राम वाटर कह दिया, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, देखो परसेंटेज का मतलब पर 100, तो 10 ग्राम ऑफ के आई डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन,
और ये कह रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर तो है नहीं उसमें क्योंकि वो तो टोटल सॉल्यूशन है। इसमें वाटर कितना होगा, 90 ग्राम वाटर होगा, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। ठीक है, अब स्टेटमेंट सेकंड में आ जाओ, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पहले वेट 10 ग्राम है इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट। देखो के आई का क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पे गिवन नहीं होता, लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो तो वहां पे क्वेश्चन की गिवन होती है। इसका होता है 39, इसका होता है 127, तो टोटल हो जाता है 266 के आसपास हो जाता है। हाँ 266, ठीक है, तो यहाँ पे मोलर मास 266 हो गया। अब देखो वॉल्यूम, यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे दिया है वेट और आपको चेंज करना है वॉल्यूम में, इसलिए तो डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है, मास है 100 ग्राम और डेंसिटी कितनी है 1.2, तो इसको डिवाइड करके आंसर आएगा। अब ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर ये नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर ये नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये सेकंड वाला भी गलत है। ये समझ में आ रहा है आपको, देखो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इन्होंने, इजी नहीं रखा है। अगर यही क्वेश्चन सोचो एग्जाम में आ जाएंगे तो कैसा होगा, तो ये अभी से प्रैक्टिस करो टाइम टेकिंग की। मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट। अब वेट जो है आपको ये 10 दिया हुआ है इंटू 1000 और ये मोलर मास आपको अभी निकाला हमने 266। वाटर का वेट कितना है, 90 ग्राम है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर वो कह रहा है आ जाएगा। ठीक है, 0.67 का ये आंसर इसमें आ जाएगा, इसका मतलब एक ही स्टेटमेंट सही है सी वाला, बाकी सारे गलत है। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन तक पहुंचे हम लोग अभी। कोई डाउट किसी को 8 तक में, ये टफ क्वेश्चंस में से हैं, ये जो मैं आपको करवा रहा हूं ये सबसे बेस्ट मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, जो सबसे अच्छे मॉड्यूल के क्वेश्चन है। तो आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, तो रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।